तकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुरु बचन पालियो नहीं, सिंह मन को नहीं मार। गुर बचन सिंह की बेनती, लाज तोहे निरंकार। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। आषाढ़त पंदा तिस लगै, हर नाह न जिन पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तन तन जागदी जोत, चवर तख्त छत्र सिंघासन दे मालिक। गरीब निवाज दीनन दयाल, दुख भंजन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हजूर ने बेअंत अपार किरपा कीती है, सत संगत दियां सुंदर घड़ियां बख्शियां हन। आप सरबत संगतां अपने कीमती सुवास हजूर दी सत संगत विच जिस तरह आनंद लै रहे हो, आओ साध संगत जी। कल हाड़ दे महीने दी संगरांद सी, अते धर्मवीर सतगुरु मेरी पीरी दे मालक धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। हजूर दा प्रकाश गुरपुरब सी, जिस तरह जिक्र आउंदा है, श्री गुर हरगोबिंद बर सनद बद धर ध्यान। बंद दो कर बंदना, सुंदर दुत मदनान। ऐसे धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। शस्त्रां दे समेत कवि भाई संतोख सिंह जी आखदे हन, सतगुरां दा ध्यान धरिए, जिन्हां दे सतगुरां दे सुंदरता दे अगे मदनान, भाव काम देवता दी वी सुंदरता फिक्की पै जांदी है। क्योंकि धरत ध्यान सतगुर दुख मिटै, हजूर दा अपने मन विच ध्यान धरन नाल ही दुख टुट जांदे हन। गुर के ध्यान कर अपदा कटै, जदों गुरसिख हजूर दा इतिहास सुनदे हन, मन विच हजूर दा जिस तरह साध संगत जी स्पर्श मिलदा है गुरसिखां नूं, कैसा ऐसा बाहुबली हजूर दा डील डौल है। गोडियां तो लम्मियां महाराज जीआं दीआं भुजावां हन। हजूर कहिंदे हन, ऐसे सतगुरां दा ध्यान धरन नाल ही अपदा भाव आउण वाले दुख नाश हो जांदे हन। आओ साध संगत जी, जिस समय धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज हजूर गुरता गद्दी ते सजे हन, धन माता गंगा जी जिन्हां दी पावन पवित्र कुख तों हजूर ने प्रकाश महाराज जीआं दा अवतार होया है, ये साध संगत जी पावन पवित्र नगरी गुरु की वडाली नूं महाराज जीआं ने भाग लाए हन। जिस समय साध संगत जी हजे महाराज जीआं ने अवतार धारण करना सी, पृथ्वी चंद दे जो महल भाव उन्हां दे घर वाली बीबी करमो जी, जिस समय माता गंगा जीआं नूं उन्हां ने कटाक्ष वाले बचन कहे सी। क्योंकि साध संगत जी जिक्र आउंदा है, जिस दिन एक दिन माता गंगा जी सुंदर दुसाले जिस तरह माता जीआं ने तुप्पे पाए, जाके पृथ्वी चंद नूं कहिंदी है कि बीबी करमो कि देख शरीकां दे घरे किन्ने सुंदर दुसाले हन, तुहानूं तां गुरता गद्दी भी नहीं मिली। उस समय इन्हां ने बचन कहे सी, गुरु घर विच किहड़ा कोई पुत्र है, ना ही कोई माता गंगा दे घरे पुत्र होवेगा, इह तां गद्दी अपने पुत्र मेहरबान नूं मिलेगी। जिस समय दासी ने काम करदी ने बचन सुने, उन्हां ने गां जा के माता गंगा जीआं दी दासी नूं दस्या। जिस समय माता जीआं दे कन्नां विच बचन पए, माता जी चुप कर गए। क्योंकि हर समय धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज शहीदां दे सरताज, तत्तियां तवियां जिन्हां सतगुरां नूं नहीं चला सकियां, उन्हां दे दर्शन करके माता जीआं दे हिरदे विच ठंड वरदी है। माता जीआं नूं कौड़े बचन किथे असर करने सी,
पर एक दिन हद हो गई। जिस समय माता गंगा जी इशनान करके आए हन, जिन्हें अगों भाव कोई बहाना बनाउणा ही होवे, जिस तरह माता गंगा जिया तो कुछ जल दे छिट्टे सरोवर चुए बीबी करमों ते पै गए। उसने बड़े कटाक्ष दे बचन कहे, माता जिया नू तू बाज ही संसार तो जाना है, तेरे घर विच कोई पुत्र नहीं होना, गद्दी ता मेरे भाव मेरे पुत्र मेहरबान नू मिलेगी। ऐसे कटाक्ष दे बचन कीते कि औंतरी ही भाव इस तरह दे बचन कह दिते माता जिया नू। उस समय माता जिया दे मन विच थोड़ा विराग आया। कदी माता जिया ने कुछ इच्छा ना सी कीती हजूर पास कि सानू आ चाहिदा है, क्योंकि जिस समय माता जिया नू अमृतसर साहब जिया दियां अमीर लोकां दियां घर दियां ने शाहूकारां दियां घर दियां ने आखिया सी, तुसी तां गुरु के हो, तानू गहने पाउणे चाहीदे हन, तुसी तां इन्ना भाव सिंपल एक गरीबी वाला दावा भाव अपना लिबास रखिया है। उस समय जिस समय माता जी हजूर पास आए, हजूर ने पुछिया सी आप जिया नू इथों दा भाव गहने चाहीदे ने कि ओ गहने चाहीदे ने जिहड़े लोक परलोक विच साथ देण। उस समय माता जिया ने कहा सी हजूर ऐसे गहने चाहीदे ने जो लोक परलोक विच साडा साथ देण। हजूर ने 52 अखरी बाणी रच के ऐसे गहने बख्शे हन इस्त्रियां नू। मातावां बाणी कंठ करदियां हन 52 अखणी, लम्मा लम्मा समा उहनां दा जाप करदियां हन। अज जिस समय माता गंगा जी हजूर नू प्रशादा सकाउण आए हन, चेहरा थोड़ा मुरझाया देखिया है, हजूर दे पास आके आख्या है, महाराज जी पुत्र दी दात बख्शो, अज महाराज जी मैनू शरीकां ने भी मेहणे मारे हन। उस समय हजूर ने कहा सी माता गंगा आप दे घर भाव ए गुरु क्या लई जो बख्शिशां हन, आप किसे गुरसिख दी सेवा करो। हजूर ने बाबा बुढ़ा साहिब वल इशारा कीता सी, ओ दात दे सकदे हन क्योंकि महाराज जिया ने अपने घर विच भी निम्रता सिखाउणी सी। जिस समय आप सब इतिहास तो जाणू हो, माता गंगा जी जिस तरह साध संगत जी रथ ते चढ़ के अपने दासियां दे नाल माता गंगा जी जिस समय बाबा बुढ़ा साहिब जिया दे पास जांदियां हन, दूरों बाबा बुढ़ा साहिब जी तकदे हन कि गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जियां दा जो रथ सी उस ते एक ध्वजा निशान साहिब झूलिया करदा सी, जिस दी बाबत गुरबाणी विच जिक्र आउंदा है, फुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। ऐसी महाराज जियां दा निशान साहिब झूलिया करदा सी। जिस समय सेवक ने दसिया कि यह गुरु क्या का रथ आ रहा है, बाबा बुढ़ा साहिब जिया ने बचन कर दिते, गुरु क्या नू किधर भाजड़ा पै गईया हन। पास खड़े सेवक ने आख्या, बाबा बुढ़ा साहिब जी ये आप जिया ने कैसे बचन कर दिते हन, गुरु के भी नहीं बख्शे। जिस समय साध संगत जी ऐसे बचन होए, बाबा बुढ़ा साहिब जिया दे चरनी पै गया। उस सिख कहिंदा है, बाबा बुढ़ा साहिब जिया ने कहा सी तू क्यों सूर वांगू घुड़ घुड़ करदा है, साडी तां गुरु क्या नाल सीधी गल है। उस सेवक ने कहा सी बाबा जी ये जट्टां वाली तुसी गल कर दिती, गुरु के भी नहीं बख्शे। जिस समय चरनी पिया, बाबा बुढ़ा साहिब जी पता की कहिंदे हन, कहिंदे हन उस समय जेड़ा इन्हां दे घर विच पुत्र ने अवतार लैणा है, एक समा आवेगा। जदो सेवक ने पुछिया सी बाबा जी मेरी कल्याण किवें होवेगी, आप दा बचन कदे असफल नहीं जांदा ब्रह्म अस्त्र दी तरह। उस समय साध संगत जी हाथ जोड़ के जदो ने आख्या, बाबा बुढ़ा जी मेरी कल्याण किवें होवेगी, बाबा बुढ़ा साहिब जी हजे वरदान दे बचन माता जिया नू कहने हन, पहला ही कह रहे हन जो इन्हां दे घर दे विच सूरबीर बली बहादुर योधे पुत्र ने अवतार लेना है, एक समय जंगल च सैर करदे होणगे, तू सूर बनिया जांदा होवेगा, तेगे दा भरमा वार छड के तेरी सदगति करनगे। हे साध संगत जी, बाबा बुढ़ा साहिब जी जानदे हन जिस समय माता गंगा जी पास आए पुत्र दी जाचना कीती, बाबा बुढ़ा जी कहिंदे हन, माता जी असी तां गुरु घर दे कुकर हां, सब दातां तां हजूर दे पास हन,
हालांकि बाबा बुढ़ा साहब जिया नूं पता है सब दाता देन वाले गुरु साहब हन, पर सेवक नूं माण बख्शना है। जिस तरह साध संगत जी उस दिन फिर माता गंगा जी वापस आ जांदे हन, गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी पुछदे हन, बाबा बुढ़ा साहब जिया तो पास कोई खाली नहीं मुड़िया, आप किवें खाली आ गए? उस समय पुछया सी हजूर ने किवें गए, महाराज जिया ने निम्रता सिखाउणी सी। हजूर ने जिस तरह दसिया सी, तर तराजू तोलीए निवै सो गौरा होए, जो निव जांदा है जे तकड़ी विच तोलिया जावे वह भारा हो जांदा है। फिर माता जिया निम्रता दे सहत 20 किलोमीटर भाव इत्यादक पैंदा है। माता जी अज दे वांगू जिस तरह हाड़ दे महीने हन, गर्मियां दी रुत सी, माता जी साध संगत जी नंगे पैरी, आप माता जिया ने दही तैयार कीता है, प्रशादा मिसे प्रशादे तैयार कीते हन, नाल माता जी लस्सी लैके गए हन। जिस समय माता जी गए, बाबा बुढ़ा साहब जिया दे पास पुजदे हन माता जी, बाबा बुढ़ा साहब जी की देखदे हन, उसे समय आकाश विच बदल चढ़ आउंदा है। जिस तरह साध संगत जी फिर बिजली लिशकदी है, ऐसा सगन हुंदा बाबा बुढ़ा साहब जी तकदे हन। जिस तरह जिक्र आउंदा है, मनो मेघ है सुबट महाबल, कवि भाई संते संतोख सिंह जी लिखदे हन, जिवें भारी सूरमा आकाश विच बदल वांगू गरजिया होवे, छटा खड़ग तरकावत पास, जिस तरह उसदी जो बिजली है बदल दी, मानो कि एक तेगा ही हाथ विच फड़िया होवे बदल ने, ऐसा जिस तरह बाबा बुढ़ा साहब जिया ने आकाश विच तकिया, पिक लक्षण बिस्मत होए हेरियो, बाबा बुढ़ा जिया ने आकाश दे लक्षण देख के भाव जिस समय आकाश नूं तकिया, की कहिंदे हन, होए है नंदन बल्कि रास, बाबा बुढ़ा साहब जिया ने वरदान देण वास्ते मुख खोलिया है। बाबा बुढ़ा साहब जिया ने आखिया है, घर दे विच ऐसा पुत्र जन्म लवेगा जो मानो कि बल दी रास पूंजी होणगे, ऐसा उन्हां विच बल होवेगा, गादी तजै तख्त पर बैठा है, हुण गद्दी छड के ओ तख्त लाउणगे। जिस तरह अस लक्षण दीखत है मोहे, बाबा बुढ़ा जी जिस तरह कह रहे हन, ऐसे सानू लक्षण प्रतीत हो रहे हन, रण प्रिया रण कमसान मचावे हैं, रण दे भाव जंग दे बड़े प्रेमी होणगे, कमसान दे युद्ध करणगे, दुष्ट खपावे हैं कर हैं क्रोहे, कहिंदे हन वीर रस धार के दुष्टां नू खपा देणगे। जिस तरह फिर महाराज जिया ने चार जंगां भी लड़ियां सी इत्यादिक साध संगत जी, बाबा बुढ़ा साहब जिया ने जिस समय गंढा हाथ विच लिया है, दोनों हाथां दे नाल जदों गंढे नू दबाया, विचों गंढे दी उह गिड़क जी उड़ के बाहर पई, जिस समय बाबा बुढ़ा साहब जिया ने वर दिता, फिर आंदे हन ऐसे प्रताप दे सहत होणगे, जिस तरह बदल गरजिया है इस तरह उन्हां दी गरगाहट नाल दुश्मन कंबणगे, जिस तरह बिजली कंबी है बिजली दी न्याई उन्हां दे हथ विच श्री साहब चलेगी। बाबा बुढ़ा साहब जिया ने कहा, जिस तरह एक गंढा भाव टुट के गंढे दे विचों गिड़क जी परां जा डिगी है, इस तरह दुश्मना दे आहू ला देणगे। माता गंगा जी अति प्रसन्न होए हन, घर विच आए हन, उस समय साध संगत जी जिस तरह बाबा बुढ़ा साहब जिया ने बचन किया सी, गुरु क्या नूं किधर भाजना पै गईयां हन, हजूर ने कहा सी भाजना तां हुण पैणगियां ही जे बाबा जिया दे बचन हन, गुरु साहब गुरु की वडाली आंदे हन। जिस समय फिर साध संगत जी 9 महीने गुजरदे हन, महाराज जिया दा अवतार हुंदा है, जिस समय दासी हजूर नूं अपने हथां विच चकदी है, दासी कहिंदी है, मेरे इन्हां हथां नाल कई बच्चियां ने जन्म लिया है, पर ऐसा बालक कहिंदे हन मैं कदे नहीं तकिया, मानो कि निक्का निक्का हसदा है, ते पाप दी पूंजी पाप पाप तां लगदा है, इन्हां दे नेड़े तेड़े भी नहीं ढुकदे। जिस समय माता गंगा जिया ने ऐसे बचन सुने, अपने पुत्र नूं हथां विच चुकिया है माता जिया ने, कवि जी अलंकार बांधे हुए जिस तरह कहिंदे हन, मानो कि किसी गरीब नूं कल्प वृक्ष मिल गया होवे, जिस तरह बड़े किसी ने तप कीते होण परमात्मा ही उस नूं मिल गया होवे, ऐसा आनंद माता जिया दे हृदय विच है। जिस तरह हजूर ने बचन उचारे हन, सतगुर सच है दिया भेज, ऐसे बली बहादुर सतगुरु
धन श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज जिया का साध संगत जी अवतार होया। फिर महाराज जिया ने उथे बाबा बुढ़ा साहब जिया ने हजूर का जिस तरह नामकरण किया अते उस नगर दे विच सरहाटा साहब गुरद्वारा साहब है जिथे छे हरटां वाला महाराज जिया ने खूह लवाया है। अज भी साध संगत जी अमृतसर साहब दे नाल ही वह गुरद्वारा साहब भारी शोभा पा रहा है जिथे छे हरटां वाला खूह अज भी संगतां दर्शन कर दियां हन। महाराज जिया ने वरदान दिते हन भारी उस जगह नूं उसे जगह ते साध संगत जी। फिर हजूर ने अपनी जो बाला आयु भाव महाराज जिया ने बालक चोज कीते हन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज जिया ने जिस तरह पृथ्वी चंद ने एक दाई नूं भाव उस दे अस्थना नूं जहर लवा के भेजा सी कि जाके हजूर नूं दुध चंघाउणगे ते जहर दे नाल ऐसा मन विच भाव वैर सी महाराज जिया नूं जिंदा ना सी वेखना चाहुंदे चाहुंदे सी कि साडा पुत्र गुरु घर दे विच भाव गुरु बन बैठे। उस समय साध संगत जी ओ भी असफल रहे। फिर एक साध संगत जी जिस तरह सपेरे नूं भेजदे हन सप छड्डदे हन हजूर उस सप दी भाव श्री मरोड़ दिंदे हन। फिर साध संगत जी जिस तरह बाटे दे विच दुध जहर वाला लैके आउंदे हन उस समय जिस तरह हजूर धन श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज दुध नहीं सी छकदे जिस समय हजूर ने चीक मारी है धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हजूर ने तकिया है। पहला तो इन्हां ने कदे ऐसी चीक नहीं मारी जदों तकिया धक्के नाल दुध पिया रहे सी। उस समय साध संगत जी उस नूं पकड़ के महाराज जिया ने जिस तरह फिर ओ जड़ा दुध सी पास खड़े पिस्ते कुत्ते नूं महाराज जिया दे पास ही हजूर ने आख्या पीला कुत्ता सुंघ के पिछे आ गया कि पता सी इस विच जहर है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे तेरी गति हो जावेगी सानू पता है इस विच जहर है तू पीला। उस कुत्ते ने पीता ते जिस तरह कुत्ते दी भी महाराज जिया ने गति कर दिती उस समय साध संगत जी फिर ये पाज उगड़ गया जिस तरह जिस समय धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहादत पाउण वास्ते हजूर लाहौर नूं गए हन इधर पिछे 11 साल दी आयु है धन श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज जिया दी। माता गंगा जिया ने आख्या सी हजूर सानू किंदे लड़ ला चले हो महाराज जी आसे पासे तां सब जो अपना शरीका है वह वैरी बनिया बैठा है। महाराज जी पुत्र भी हजे छोटा है साडा महाराज जी कौन आसरा है। उस समय हजूर ने जिस तरह बचन कहे सी माता गंगा जी जिस पुत्र नूं आप तुसी छोटा समझ रहे हो इन्हां दा ऐसा तेज प्रताप होवेगा सब दुश्मन इन्हां तो थड़ थड़ कंबणगे इन्हां दा जग विच जिस तरह दशा दिशा विच प्रताप फैल जावेगा बड़े महाबली योधे होणगे। ऐसे साध संगत जी महाराज जी 11 साल दी आयु विच तख्त ते सजे हन। फिर हजूर ने साध संगत जी जिस तरह महाराज जी ग्वालियर दे किले विचों 52 राजियां नूं रिहा कीता सी जिस तरह बादशाह कहिंदा सी उस किले विचों कोई बाहर नहीं आ सकदा तुसी कल्ले आ जावो। हजूर ने बचन कहे सी जो नर आरत होए एक बेरा कहे श्री गुरु हर गोबिंद मैं अब तेरा कहा गिनती है इहां बचावन निकट ना देऊं दूत जम आवन। हजूर ने बचन कहे सी बादशाह जो बड़ी गरीबी धार के कह देंदा है धन श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज असी तुहाडे सिख हां ए बादशाह तेरी कैद की है कहा गिनती है इहां बचावन निकट ना देऊं दूत जम आवन। धर्मवीर सतगुरां दे बचन हन मैं अपने सिख दे पास जम दूत नहीं आउण देंदा जिहड़ा साडे वल हथ करके कह देंदा है महाराज जी तुहाडे बच्चे हां हजूर सानू रख लवो। ऐसे बली बहादुर सतगुरु धन श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज बेअंत इतिहास विच जिक्र आउंदा है जिस तरह पहली जंग जिस तरह उसका कारण भी जिस तरह आउंदा है ए शाहजहान जिस तरह साध संगत जी जंगल विच आया सी इधरों धन श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज सिखां नाल जंगल विच सी 10 किलोमीटर दी दूरी रह गई इधरों साध संगत जी हजूर ने जिस समय तकिया है ए शाहजहान ने अपना बाज जिस तरह एक पंछी ते चपट मारन लई छड्डिया सी ए जिस तरह बाज वालियां दे कोई रूल होया करदे हन
कि उड़दा होया कोई बाज पकड़ लवे, वह बाज उसदा हुंदा है। ए शाह जानने पहला हजूर दे सेवकां तों भाव जो सिख शरदा दे नाल घोड़े लैके आए सी को इना खो लए सी, पर जिस समय शाह जानने रज्या होया बाज छड़िया, क्योंकि रज्या होया बाज शिकार भाव चपटता मारदा है पर उन्नी उह मार नहीं कर सकदा। जिस समय रज्या होया बाज छड़िया आकाश दे विच हजूर नू दसिया, इधर हजूर ने अपने कर कमलां तो बाज छड़ के शाह जान दा बाज पकड़ लिया। जिस समय शाह जान इना कह के अपने सिपाहियां नू लाहौर परत गया कि बाज पकड़ के तुसी वापस लैके आयो। जिस समय बाज धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे कर कमलां ते बैठा देखिया, शाह जान दे सिपाहियां ने आके कहिंदे हन, तुहानू पता है ये बाज कहिंदा है, क्योंकि साध संगत जी जो मीर शिकारी सन हजूर दे पास उन्होंने हजूर नू दस दिता सी, महाराज जी ये सुनहरी बाज है, ये कोई आम बाज नहीं, किसी राजे दा बाज है ते वलायती बाज है। जिस समय सिपाहियां ने आके पुछया, बाबा बिधी चंद जी पास खड़े कहिंदे हन, दस भाई ये बाज किंदा है, उन्दे सिपाही कहिंदे हन, जिंदे राज दियां कंधा हिमालिया तिकर छाइंदियां हन, उस शाह जान बादशाह दा ये बाज है। बाबा बिधी चंद जी इधरों कहिंदे हन, तेनू पता है बाज पकड़िया किन्ने है, सिपाही कहिंदे हन किन्ने पकड़िया है, कहिंदे हन मीरी पीरी दे मालक धर्मवीर सतगुरु धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने बाज पकड़िया है, जिन्हां दे राज दियां कंधां त्रिलोकी नू खैंदियां हन। ऐसे बचन सुने जदों शाह जान दे सिपाहियां ने देखिया कि ये तां सानू कच्चे ही खा जाणगे, वह वापस आ गए। उस समय साध संगत जी फिर अमृतसर साहब जिया का जो पहला युद्ध महाराज जिया ने किया है, जिन्हां दी बाबत भाई गुरदास जी कहिंदे हन, दल भंजन गुर सूरमा, वड्डे वड्डे दलां नू भन देण वाले ऐसे भारी गुरु सूरमे। जिस तरह साध संगत जी मुगल सखाण है जो तकरीबन जिक्र आउंदा है 7500 दी सेना लैके हजूर ते हमलावर होया सी। जिस समय मुगल सखाण अपने सिपाहियां नू कहिंदा सी अगे नहीं वध दे, उस समय सिपाही कहिंदे हन मुगल सखाण आप अगे जाके वेख जंग विच की वरतदा है। जिस समय मुगल सखाण ने तकिया हजूर दे कर कमलां चो चले हुए तीर जिन्हां दा इतिहास विच जिक्र आउंदा है, जिस समय एक सिपाही हजूर दा तीर मुगल सखाण दे पास लैके आया, मुगल सखाण कहिंदा सी या खुदा ये तीर है कि बरछा है, कैसियां पजावां होणगियां। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जीआं दीआं जिन्हां दे विचों महाराज जी ऐसे तीर सूरमियां दे विचों दी परो छड्डदे हन। महाराज जीआं दे तीरां दे बाबत जिक्र आउंदा है, घोड़ा की छपाई की दसां दसां पंद्रां पंद्रां नूं पाड़दे होए महाराज जीआं दे तीर पार हो जांदे सी। हजूर ने शाम तिकर साध संगत जी 7400 दे तकरीबन सारी सेना खपा दित्ती, 100 कु ही जिस तरह व्यक्ति बचे सन दुश्मना दे। उस तो उपरंत महाराज जीआं ने फिर साध संगत जी अब्दुल खान जो 35000 दी सेना लैके महाराज जीआं ते हमलावर होया सी, महाराज जिया ने साध संगत जी ओ युद्ध फतेह कीता। उथे महाराज जिया ने कुचा आसन लाया दमदमा साहब, उस स्थान जी ओ युद्ध फतेह कीता। उथे महाराज जिया ने कुचा आसन लाया दमदमा साहब, उस स्थान दा नाम है। बाबा बुढ़ा साहब जी चल के आए, हजूर बाबा बुढ़ा साहब जिया दा इना सत्कार करिया करदे सन। हजूर ने जिस समय तकिया है, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तख्त तो खड़े हो जाया करदे सन। बाबा बुढ़ा साहब जी जिस तरह बिरदायु सी, बाबा बुढ़ा साहब जिया दी पालकी नू महाराज जी आप मोढ़ा लाउण वास्ते आए हन। जिस समय हजूर ने कंबल लैके उपरों मोढ़ा लाया, बाबा बुढ़ा साहब जी पालकी तो छलांग ला दिती। उस समय हजूर ने पुछया सी, बाबा बुढ़ा तुसी सानू पहचान लिया जे? हजूर ने उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी हाथ जोड़ के कहिंदे हन, महाराज जी पहले सरूप विच आप जिया ने वर दिता सी, बाबा बुढ़ा तेथों ओले कदे ना होसी, भावें सारे संसार तो ओले हो जाइए त
ताडे तो कदे साडा सरूप लुकिया नहीं रहेगा। ऐसे बाबा बुढ़ा साहिब जी हजूर दे दर्शन करदे हन। हजूर ने पुछया सी बाबा बुढ़ा साहिब जी इस नगर दा नाम की रखिया जावे। बाबा बुढ़ा साहिब जी कहिंदे हन हजूर आप जीआं दे नाम तो सुंदर नाम भला केड़ा हो सकदा है। श्री हरगोबिंदपुर साहिब उस नगर दा नाम रखिया। बाबा बुढ़ा साहिब जीआं ने जिथे हजूर ने दूसरा युद्ध फतेह कीता, इसे तरह तीसरा युद्ध गुरु सर महाराज जिथे साध संगत जी लला बेग एक काबल दा हाकम 75,000 दी जिस तरह सेना दा जिक्र आउंदा है, 75,000 दी सेना लैके महाराजियां ते हमलावर होया। इधर हजूर दे पास केवल 3,000 सिख सूरमे घोड़ सवार हन। जिस समय साध संगत जी ए 75,000 दी सेना लैके आया, इधर कांगड़ दे राजे राय जोध ने जिस तरह तकिया है, उस दी घर दी जिक्र आउंदा है कि उस दी पत्नी एक थाल दे विच मोती परो रही सी, ऐसी गरगराहट पै रही सी, जिथो सेना लंघ रही सी थाली दे विचो मोती भी कंब रहे सी। उस समय राय जोध ने पुछया साडे पास 1,000 सिपाही हन, मैं चाहना हां हजूर ते ए चढ़ के आया है। अपनी राणी नूं पुछदा है राजा राय जोध मैं हजूर दे नाल इन्हां दुश्मनां दा नाश कर देवांगा। उस समय राणी कहिंदी है मैं अपने आप नूं सुहागण समझांगी पति देव, जे हजूर वास्ते अपनी छाती च अणगिणत गोलियां खा के शहीद होवोगे। ऐसे जिस समय पत्नी ने स्पिरिट भर दित्ती, राय जोध इधर 4,000 दी सेना है, जेकर आउंदा है सारा दिन जिस तरह युद्ध चलिया, अमृत वेले ही इन्हां ने चढ़ाई कर दित्ती सी, जानिया सी कि सिंह सुते होणगे, सर्दियां दी रुत सी, ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਥਾਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 35,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ 4,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਜੇ ਦੋ ਪੈਰ ਜੰਗ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਉਸ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਾਰ ਢਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਗੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਮਿਆਰ ਭਾਵ ਘੜੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 75,000 ਦੀ 75,000 ਸੈਨਾ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1,000 ਕੁ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਚੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਵੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੌੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੇ ਦਿਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜ ਜੋਧਾ, ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ,
फिर चौथा जो जंग है युद्ध है महाराज जिया ने कीरतपुर साहब जिया की धरती ते कीता है। पेंदे खां साध संगत जी जिस तरह हजूर दे पास चढ़ के आया है भाव काले खां नूं नाल लैके पेंदे खां निमक हरामी होके 135,000 दी जिस तरह सेना दा जिक्र आउंदा है ये लैके चढ़िया सी महाराज जिया ते जिस तरह पेंदे खां नूं महाराज जी जिस तरह साध संगत जी जंग दे मैदान विच इस नूं नाश करदे हन फिर जो काले खां सी ऐसा इतिहास ने जिक्र कीता है महाराज जिया ने जिस समय काले खां ये जंग घोड़े ते होया सी महाराज जिया ने जिस समय तकिया है काले खां ने सिर दे उपर एक लोहे दा मुकट पहनिया सी जदो सिर ते वार करियो मुकट तो जां ता वार तिलक जांदा है जां उस दी तलवार ही सूरमे दी टुट जांदी है ऐसा लोहे दा सख्त मुकट हुंदा है छाती दे उपर लोहे दी संजोग बख्तर पहनी सी इस काले खां ने महाराज जिया ने घोड़े ते खड़े ऐसा भरमा वार छड़िया सी तेगे दा सिर दे टोप तो लैके घोड़े दी काठी तिकर इस काले खां नूं महाराज जिया ने नक दी सेध नाल वढ दित्ता सी। अज भी साध संगत जी ओ तेगा तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे महाराज जिया दा सुशोभित है संगतां दर्शन कर दियां हन एडा चौड़ा फल है उस तेगे दा ए चार जंग महाराज जिया ने कीते फिर हजूर कीरतपुर साहब जिया दी धरती नूं महाराज जिया ने भाग लाए जिस तरह जिक्र आउंदा है दाल भंजन गुर सूरमा बड जोधा जिथे महाराज जी एडे वड्डे जोधे हन जिक्र आउंदा है जिस समय धन श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज एक बाग विच महाराज जिया नाल सैर कर रहे सन हजूर दे चोले नाल गुलाब दा फुल टुटा है धन श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी महाराज जी इन्हां महाराज जिया दे हृदय विच दया है हजूर नूं फुल दे टुटने करके भी दर्द महसूस हुंदा है अते दूसरे पासे जंग दे मैदान विच जदों हजूर तेगा छड्डदे हन दुश्मना दा भाव पखण कर दिंदे हन ऐसे हजूर धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज कल साध संगत जी महाराज जिया दा प्रकाश गुरपुरब सी उस दे संबंध विच ए बेनतियां कीतियां हन जिस तरह बेअंत महाराज जिया ने जिस तरह पर उपकार कीते हन भाई सुथरा जी जिन्हू बचपन विच ही जिस तरह कहिंदे हन जमदियां दे ही दंद निकल आए सी घरदियां ने कोई बला जान के बाहर गंदगी वाली थां ते सुट दिता सी जिस समय हजूर ने लंघदियां होया आवाज सुनी संगतां कहिंदियां हन नाल सिख महाराज जी खुथरा है भाव लिबड़िया होया है कोई बला है अपनी छाती नाल ला के कहा महाराज जिया ने ता साडा सुथरा है ये ता बड़ा सोहना है जिन्हां नूं भाव रूढ़ियां ते डिग्गियां होया नूं महाराज जी साडे वर्गियां नूं छाती नाल ला के हजूर जिस तरह साध संगत जी महाराज जिया ने इन्ना माण बख्शिया है फिर ओ माता सुलखणी चब्बे दी महाराज जिया दे पास आके पुत्र दियां जिस तरह दातां उसने मंगियां हन हजूर साध संगत जी दूध पूत के दवैया दुध पुत दियां दातां बख्शियां हन हजूर साध संगत जी फिर बाबा बिधि चंद जी जिस समय पट्टी तो दसाले लैके निकले हन हुलिया जारी हो गया कि ऐस हुलिये दा सिख है उस नूं पकड़ना है आसे पासे सब पुलिस लगी हुई है बाबा बिधि चंद जी पट्टी वाले पास जाके कहिंदे हन मैनू किते जगह दे पट्टी वाला हुलिया पछाण के कहिंदा है जे मैं इन्हां नूं जगह दित्ती रहण लई ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੱਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੱਠੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਠ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੱਠੀ ਵਾਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਇੱਧਰ ਡਰੌਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੰਘੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਵੋ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਧ ਸੁਣਾਏ ਰਝਾਵੈ ਮੋਹੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ
कोई सिख है जिहड़ा जपजी साहिब जीआं दा सानूं शुद्ध पाठ सुनावे उहनूं असीं मन भौंदे फल देवांगे। उस समें साध संगत जी जिक्र आउंदा है जिस तरह हफजाबाद वाले भाई गोपाला जी उठे हन संगत विचों। भाई गोपाला जी कहिंदे हन, महाराज जी जी आप कृपा करो हजूर असीं सुना सकदे हां जे तुहाडा सीस ते हथ होवे। उस समय महाराज जी ने साध संगत जी जिस समय भाई गोपाला जी ने पाठ आरंभ किया है एक ओंकार सतनाम करता पुरख जिस समय श्लोक ते पहुंचते हैं मन विच भाई गोपाला जी दे फुरना उठा है। इधर हजूर सोच रहे सी इस सुख सिख नूं असीं की दईए क्योंकि भाव जपजी साहब जिया की शुद्ध बाणी सुनाउण दे बराबर महाराज जी अपने तखत तो जिस तरह खिसक रहे सी कि असी देख रहे हाँ त्रिलोकी विच इस दे बरोबर कुछ नहीं। असी अपनी गद्दी भाई गोपाले नूं दे दिंदे हाँ। उधर भाई गोपाला जी ने मन विच फुरना कीता जिहड़े पंज बली घोड़े आए हन सोने की काठी वाले चारां विचों एक बचिया है जे हजूर मैनू दे देन। महाराज जी दे मन दे फुरने जान के आख्या भाई गोपाला असी अज तुहानूं धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी की गद्दी दे देनी सी पर तुसी मन विच फुरना कीता है लो फिर तुहानूं ओह घोड़े दिंदे हां। महाराज जी ने बेअंत वार बख्शे हन ऐसा बाणी का सत्कार महाराज जी करिया करदे सन। आओ साध संगत जी उसे बाणी की लड़ीवार कथा कल हाड़ दे महीने की संगरांद है। सिख संगत मन विच ये जानदियां हन जे संगरांद वाले दिन हजूर दे दर्शन करके हजूर दे मुख तो मना जे फला दे सुनिया जावे सारा महीना किन्ना सुंदर लंघेगा। जे साध संगत जी रोज ही हजूर दे दर्शन करन आईए सारा जीवन ही सफल हो जावे। कल धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिया के प्रकाश गुरपुरब दियां सरबत संगतां नूं बेअंत बेअंत वधाइयां होवन। आओ साध संगत जी हाड़ दे महीने दी संगरांद दी कथा विशेष बच गए समय विच महाराज जी कृपा करके जिस तरह करवा रहे हन। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज मंजी साहिब वाले अस्थान दे बार बार साध संगत जी जो थड़ा साहिब है उथे महाराज जी सजे हुए हन। संगतां हथ जोड़ के कहिंदियां हन, महाराज जी महीने दा उपदेश बख्शो सानू। जिस तरह महाराज जी ने थित्ती वार उथे हजूर ने महीनिया दे सरलेख नाल भी गुरबाणी दी रचना कीती है। महाराज जी आरंभ करदे हन किरत करम के विछड़े कर कृपा देव हो राम। हजूर ने साध संगत जी 14 जिस तरह पौड़ियां रचियां हन पहली ते अखीरली मंगल रूप हन फिर 12 पौड़ियां 12 महीनिया दे हिसाब नाल हजूर ने उपदेश दिता है। हजूर ने आरंभ विच आख्या सी, महाराज जी ए जीव अपने कीते हुए कर्मां द्वारा आप जीआं तो विछड़ गए हन कर कृपा देवो नाम। महाराज जी आप कृपा करके साड़ी झोली विच नाम दी खैर पावो। महाराज जी ने फिर चेत दे महीने द्वारा उपदेश दिता, चेत गोबिंद आराधिया होवै आनंद घना। पहले महीने द्वारा महाराज जी ने उपदेश दिता सी कि जे चेत दे महीने विच काल पुरख वाहिगुरु नूं आराध्या जावे घना आनंद प्राप्त हुंदा है। चेत दे महीने दी न्याई जे बचपन विच ही बच्चियां नूं नाम जपन ला दिता जावे सारी उम्र भी फिर साध संगत जी आनंद हुंदा है। फिर विसाख दे महीने द्वारा विसाख धीरन क्यों वाढिया है जिन्हां प्रेम विशोह। महाराज जी ने दस्या है विसाख दे महीने दे विच जिहड़े महाराज जी तो विछड़ जांदे हन उन्हां दे मन फिर किथे धीरज पकड़दे हन। फिर हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है। फिर महाराज जी ने साध संगत जी जेठ ते हाड़ गर्मी दे रुत दे महीने हन। महाराज जी ने आख्या सी जेठ दे महीने विच उस काल पुरख दे नाल जुड़न नूं लोड़िए भाव मन विच तांग पैदा होवे जिस अगे सब निवन जिस काल पुरख वाहिगुरु अगे सब शक्तियां नवारियां हन जिन्हां सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज धरण गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहे ओ पर धरती नव खंड धरती साध संगत जी आकाश की पताल की महाराज जी अगे नवारे हन। आओ साध संगत जी हुण जेठ दे महीने जिस नूं महाराज जी आषाढ़
ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਹਜੂਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਸਾੜ ਇਹ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਜੀਵ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਸੜਦੇ ਹਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਣੇ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਇਸ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਬਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਾਨੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਰਿਦੇ ਭਾਵ ਜੀਵ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿੱਟਹੀ ਘਾਮ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਨ ਜੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਖ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਮਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਜੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦੇ। ਹਜੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੁਰਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਹਜੂਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਤਪੀ ਦੀ ਤਵੀ ਦੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜੂਰ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ
क्योंकि साईं मियां मीर जी एक बारी हजूर नूं तक के बेहोश हो गए सी। हजूर दियां लत्तां वालियां पिंजणियां तो हड्डियां निकल आईयां सी। मास पुजण दी जिस तरह साध संगत जी स्मैल आ रही सी हवा चों, उस समय हजूर ने आख्या साईं मियां मीर जी एक पैंदा होया सीस ते तत्ता रेता सानू ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरह सिख सीस ते चंदन पा रहे होण। ये तपदी हुई तवी इस तरह महसूस हो रही है जिदा असी संघासन ते सजे होइए। उस समय हजूर ने आख्या है जिस तरह बचन आउंदे हन तपत माहे ठांड वरताई, एडी तपदी हुई इन्हां गर्मियां दे दिहाड़ियां विच ही साईं मियां मीर जियां दी साध संगत जी देही नूं महाराजियां दे दर्शन करके ठंड पै गई। ततियां तवियां नहीं हजूर नूं चलायमान कर सकियां। ऐसे सतगुरु आख रहे हन हर ना होना जिन्ना पास, गुर सिखो तत्ती तवी दा सेक ओनू लगदा है जिंदे पास हरि दा नाम नहीं है। असाड़ तपंदा तिस लगै, या साड़ हाड़ दे महीने द्वारा हजूर उपदेश देंदे हन। महाराज जी कहिंदे हन उस नू तपदा उस नू बिपता उस नू दुख लगदे हन। बिपत तहां जहां हर सिमरन नाही, हजूर कहिंदे हन बिपता तां उथे पैंदी है जिथे मेरे वाहिगुरु दा सिमरन नहीं है। ना हुन जिना पास कोट अनद जह हर गुण गाही, महाराज जी कहिंदे हन बिपता नू है जिन्हां दे पास हरि दा नाम नहीं, उन्हां दे पास गुरसिखां पास करोड़ां ही आनंद हन। जिन्हां दे हृदय विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी बाणी निवास कर गई है, जिन्हां दे पास प्रेम ते विराग दे नेत्र हन, शरदा दे कान हन, कन्नां नाल सुन के मन ने फुरना ही नहीं कीता, मना ये किवें हो सकदा है तत्ती तवी दा सेक ना लगे। ऐसे शरदा दे कान हन गुरसिखां दे महाराज जी, साडे मन करके समझ नहीं आउंदी। मन तां हजूर भैड़ा है पर आप जिया दी जो गुरबाणी दसदी है हजूर ओ सत है। की होया महाराज जी जे हुण समझ नहीं पैंदी, हौली हौली सानू समझ पै जाएगी, आप कृपा करोगे हजूर। फिर हजूर कहिंदे हन हाड़ दा तपदा होया महीना उन्हां नू सेक नहीं ला सकदा। असाड़ तपंदा तिस लगै, महाराज जी जिस तरह हाड़ दे महीने द्वारा उपदेश दे रहे हन, हांजी ना हुन जिना पास, जीव ने जिन्ने नाम विसार छड्या है ए पाप गुरसिखो ओनू पौंदे हन। जग जीवन पुरख त्याग के जो सब जग नू जीवन देण वाले हन, कौन हन? धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पुरख हन जो सब इस्त्रियां हन जो जिन्हां दियां। इसे तरह साध संगत जी पू नरक नू कहिंदे हन, पू रख नरकां तो रख लैण वाले। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी फरमाउंदे हन जग जीवन पुरख विसार कै, उस काल पुरख वाहिगुरु नू इस जीव ने विसार छड्या है। मानस संधी आस, महाराज जी जे उन्हां नू विसार छड्या है की कारण बड़े हन? हजूर कहिंदे हन मानस संधि आस। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया ते इस जीव नूं भरोसा ही नहीं है ते मानस संधि आस ए आसा किथे लाई बैठा है। कहिंदा है मेरा पुत्र बड़ा जवान है, मेरे तां सजियां खबियां बाहां हन, मेरे मित्र ए मेनू बचा लैणगे। पर महाराज जी कहिंदे हन पुत्र कलित्र सुमित्र सखा एह बेग नकारो आयस दै है। बाजां वाले पिता जी कहिंदे हन जिन्हां ते तू माण करदा है इन्हां कहना है इनू छेती दिने निकाल दवो इनू घर विचों। ऐसे महाराज जी कहिंदे हन इस जीव ने मानस संधि आस इस मनुखां ते आस ला रखी है जग जीवन। जग जीवन पुरख त्याग कै, महाराज जी कहिंदे हन जग जीवन पुरख त्याग के जिस तरह धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी फरमाउंदे हन जे मन चित आस रखै हर उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हजूर साध संगत जी धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज जिन्हां ने साध संगत जी सब आसां त्याग दित्तियां सी। घर दे कहिंदे सी पिछों रिश्तेदार आ के घर वापस आ जाओ आप। धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज जिन्हां दी बाणी दसदी है कीर्त कर्म के विछड़े वाहिगुरु जिस तरह हजूर फरमाउंदे हन हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग
ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਹਜੂਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾਗਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੈ ਬਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜੂਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਮਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮਣਾ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾ ਲਾਵੇਂਗਾ ਇਨਕੈ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਇਹੋ ਬਪਰੇ, ਇਨਕਾ ਵਾਹਿਆ ਕਛ ਨਾ ਵਸਾਈ। ਹਜੂਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜੀਵਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਾਂ ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਮਾਨਸਾਂ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰੇ ਕੇ ਕੁਡੰਬ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਸਹਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਮਿਲਾਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਭਾਈ ਹਨ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਉਨਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ ਤਿੱਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸਾ, ਦੇਖ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿੱਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਟੁਕਣਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਅਸਾੜ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹਜੂਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਕਰਾਵਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਜੂਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭੰਗ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਹੁਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 19 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਉਹ